कुछ लाइनें मैंने पढ़ी थी, कुछ लाइनें मैंने खुद लिखी हैं, तो मेल जोल करके मैं कुछ लाइनें बोलने जा रहा हूँ जी। कुछ ऐसे शब्द हम कहना चाहते हैं, दिल से पता नहीं क्यों नहीं कह पाते। आज हम कोशिश करेंगे उन शब्दों को बोलने की, चाहे आप मैसेज के थ्रू बोलो, चाहे फ़ोन के थ्रू बोलो, चाहे फेस टू फेस के थ्रू बोलो, चाहे उन्हें कार्ड पे लिख के भेजो, आपने लिखना ज़रूर है जी। ठीक है जी, कुछ लाइनें बोलना चाहता हूँ जी। जैसे नॉर्मली कई बार क्या होता है, गर्ल्स क्या होती हैं, मतलब लड़कियाँ क्या होती हैं, या कई बार लड़के भी, कई बार ऐसा होता है कि पापा को ना सुपर हीरो मानते हैं कि मेरे पापा मेरे सुपर हीरो हैं। कई बार हम बोलते हैं ना कि मेरे फादर मेरे सुपर हीरो हैं, बट कभी हम अपने सुपर हीरो से ये नहीं पूछते कि उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया, मतलब कितने कितने टाइम उन्होंने ओवर टाइम किया होगा सर, खुद कपड़े ना लेने की बजाय हमें कपड़े दिलवाएंगे। आप कई बार देखना सर, उनकी जेब में पैसे नहीं होते थे, बट फिर भी वो हमें कहते थे बेटा तूने बता लेना क्या है, बता तू लेना क्या चाहता है, बता तुझे खिलौने चाहिए, तुझे किताबें चाहिए, तुझे क्या चीज़ चाहिए, मैं चीज़ वो तो दिलवाऊंगा। तो ऐसे सुपर हीरो मतलब कहाँ मिलेंगे सर। तो मतलब होता क्या, हम सुपर हीरो बोलते हैं तो हमें लगता है कि उनके दिमाग में तो कोई प्रेशर होगा ही नहीं, उनकी एकदम लाइफ बिल्कुल कूल होगी, ऐसा नहीं होता सर। उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल होते हैं, उनके माइंड में भी टेंशन होती हैं, बट वो आपको दिखा नहीं पाते। तो उन्होंने बहुत टाइम ऐसा किया होगा कि खुद ना चीज़ें लेने की बजाय खुद, आप चेक करना सर, आपके फादर भी अगर घर में होंगे, आप कभी देखना उन्होंने हमेशा जब भी कभी नए कपड़े लेने की बात होती है ना, पापा पता क्या बोलते हैं, अरे मैं नए कपड़े लेके क्या करूँगा बेटे, बेटे शर्ट है तो भाई ये बिल्कुल सही शर्ट है, बता इसमें क्या है, बता मैंने कोई जाना है, चल तू बता तूने कौन सी शर्ट लेनी है, बता बेटे तूने ट्राउज़र कौन सी लेनी है, बता तूने शूज़ कौन से लेने हैं, तुझे क्या चाहिए, मेरे पास तो है बेटे, मैंने कहा मैंने दुकान पे जाना होता है बेटे, ऑफिस जाना होता है, कोई इतना मुझे कोई देखने थोड़ा आ रहा है, ये शर्ट मेरे लिए बहुत है, ये ट्राउज़र मेरे लिए बहुत है। आप देखना पापा हमेशा ऐसा बोलते हैं सर, बहुत बार ऐसा पापा बोलते हैं, और वो किस लिए बोलते हैं, वो अपने लिए नहीं बोलते, वो हमारे लिए बोलते हैं कि चलो हमें कोई दिक्कत ना हो भाई, जिस प्रॉब्लम्स मेरे फादर गुजरे हैं वो हमें वो प्रॉब्लम फेस नहीं करना देना चाहते, तो इसलिए वो पूरी कोशिश करते हैं कि मेरे बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद पापा भी हमारी फिगर में जागे हैं, चाहे कच्ची नींद में ही। हम लोग नॉर्मली बोलते हैं ना कि माँ जागती है बच्चों के लिए, ऐसा नहीं होता सर, पापा भी नींद में जागे हैं, चाहे वो कच्ची नींद में जागे हैं, मतलब हमारा उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, पापा भी रोते हैं, चाहे वो चुपके से रोते हैं, मतलब वो सबके सामने नहीं रोते ना, मतलब कहते हैं ना कि पापा का दिल एक थोड़ा सा मतलब मजबूत होता है, बट ऐसा नहीं है सर, मतलब वो भी हमारी फिक्र में जागे होंगे, चाहे वो कच्ची नींद में जागे होंगे, मतलब लेटे होंगे आंखें बंद करके सिर्फ ये दिखाने के लिए कि देखो मतलब कोई बात नहीं, बट उनको भी पता है, उन्होंने भी आपका बचपन में जो मतलब कहते हैं ना मम्मी ने बहुत कुछ किया, बट सर आपके फादर ने जो कुछ किया आप सोच भी नहीं सकते जी। उसके बाद हमें कपड़े कितने, खिलौने हमेशा चाहिए, उन्होंने हमेशा दिलवाए सर। कुछ किस्से हैं, मैं कुछ लाइनें बोलूँगा जी, बहुत ध्यान सुनाई लाइनें, कुछ किस्से हैं जो मेरे दिल में हमेशा के लिए दर्ज हो गए, कुछ किस्से हैं जो मेरे दिल में हमेशा के लिए दर्ज हो गए, मेरी खुशियों के लिए देखो पापा मेरे कितने खर्च हो गए, कुछ किस्से हैं जो दिल में मेरे हमेशा के लिए दर्ज हो गए, मेरी खुशियों के लिए देखो मेरे पापा कितने खर्च हो गए। होता है ना, मतलब देख लो पापा की लाइफ बीतती जा रही है, डे बाय डे बड़े होते जा रहे हैं, और किसके लिए सर, वो हमारे लिए ना। आप कोचिंग अगर ले रहे हो, आप कहीं से भी मतलब कोई भी चीज़ आपको लेनी होती है, तो आप क्या बोलते हैं, पापा पैसे चाहिए, और कई बार तो सर वो एक मैसेज से ही समझ जाते हैं, आप उनके पास जाते हो ना वो तभी समझ जाते हैं, और क्या पूछते हैं, बेटे बता क्या करना है, बता बेटे तू बता, जैसे तू बोलेगा ना वैसे कर लेंगे सर। तो मैंने वही लाइन बोले, कुछ किस्से हैं जो हमेशा के लिए मेरे दिल में दर्ज हो गए, देखो मेरे पापा मेरे लिए कितने खर्च हो गए। ठीक है जी, उसके बाद कभी कभी हजारों से, सर बहुत ध्यान सुना, कभी कभी हजारों से मिलना पड़ता है ये जानने के लिए कि हमारे दर्द में शरीक कौन है, कभी कभी हजारों से मिलना पड़ता है ये जानने के लिए कि हमारे दर्द में शरीक कौन है, बहुत दूर जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि नज़दीक कौन है, बहुत दूर जाना पड़ता है कि ये जानने के लिए कि हमारे नज़दीक कौन है। और आप कभी भी चेक करोगे ना, आपकी फैमिली आपके सबसे नज़दीक होगी सर। कोई रात को 1 बजे कभी घर नहीं आएगा, कोई रात को 2 बजे कभी घर नहीं आएगा सर, मैं सही बता रहा हूँ सर, कभी 2 बजे घर नहीं आएगा, आपके पेरेंट्स आपके हमेशा साथ खड़े रहेंगे। कई बार उनको ये भी होता है, उनको पता है आप गलत हो, बट फिर भी कहते हैं कि नहीं मेरा बच्चा सही है, मतलब ऐसे भगवान ज़िंदगी में कहीं नहीं मिलेंगे सर, मैं से बता रहा हूँ, ऐसे भगवान ज़िंदगी में कहीं नहीं मिलेंगे। मंदिरों में ढूंढ लो, मस्जिद में ढूंढ लो, गुरुद्वारों में ढूंढ लो, जिसने घर में भगवान नहीं ढूंढे ना वो ज़िंदगी में कहीं भगवान ढूंढ नहीं सकता, मैं सही बता रहा हूँ सर। बहुत बार हम चीज़ें बोल देते हैं, बट एक आधा दिन होता है अपनी भावनाएं व्यक्त करने का, तो हम दोस्तों से अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं कि मैं तुझे लाइक करता हूं, मैं तुझे प्यार करता हूं, तो क्या हम पेरेंट्स से नहीं कर सकते? वो भी तो उम्मीद रखते होंगे ना कि यार एक दिन तो ऐसा होगा मेरा बच्चा कहेगा आई लव यू पापा, पापा आई लव यू सो मच, जो आपने मेरे लिए किया ना मैं सही बता रहा हूं लाइफ में कोई नहीं कर सकता। तो बहुत चीज़ें होती हैं सर। ठीक है जी, उसके बाद जी फिर बड़े बड़े भोले हैं मेरे पापा,
बड़े भोले हैं मेरे पापा, पूरी दुनिया से कहते फिर रहे हैं मेरा सपना पूरा हो गया। बड़े भोले हैं मेरे पापा, पूरी दुनिया से कहते ही फिर रहे हैं मेरा सपना पूरा हो गया, देखो मेरा बेटा और बेटी कामयाब हो गया। मतलब कमाल की बात है सर, ऐसा कौन मिलेगा। मतलब पूरी दुनिया से कहते फिर रहे हैं कि देखो मेरा सपना पूरा हो गया, देखो मेरा बेटा और बेटी कामयाब हो गया। मतलब कामयाब हम हुए हैं, खुशियां उनकी बढ़ गई हैं, छाती उनकी चौड़ी हो गई है कि हाँ भाई आज हमने कुछ अचीव की है। तो ऐसे लोग जिंदगी में कहीं नहीं मिलेंगे सर, मैं सही बता रहा हूँ जी आपको, ठीक है नी। पापा यार आप बहुत अमीर हो, पापा यार आप बहुत अमीर हो, जेब में पैसे। कई बार हम बोलते हैं पापा को, कई बार हम पहले गुस्से में कई बार होते हैं ना, बोल देते हैं पापा यार आप क्या, मतलब क्या है यार ये, क्या यार पापा यार क्या यार, मतलब क्या अमीर नहीं हो सकते आप, मतलब आपके पास इतने पैसे नहीं हैं, मतलब कुछ भी नहीं है, कुछ भी लेना हो भाई पापा कहते बेटे पैसे नहीं है, ये नहीं है वो है, तो आप अमीर नहीं बन सकते थे। तो कई बार फिर हम पापा की नज़रों में देखते हैं, पापा की नज़रों में आंसू होते हैं बट वो कुछ कह नहीं पाते, और वो एक ही लाइन वो दिल से बोलते होंगे जो मुझे लगता है कि बोलते हैं कि बेटे तू ही मेरा कमाया हुआ धन है, भाई तू ही मेरी कमाई है, बेटे तू ही मेरी कमाई है, तुझे नहीं पता, तू तो कह रहा है कि मैंने कमाया क्या, बट एक बार अपने आप को तो देख मैंने कि तुझे कमाया पूरी ज़िंदगी में, पूरी ज़िंदगी में मैंने तुझे कमाया बेटे, ठीक है जी, ठीक है। आपके पापा आपके भगवान से भी लड़ जाएंगे, सही बता रहा हूँ, कोई भी मतलब आपके फादर आपके भगवान से भी लड़ जाएंगे, कोई भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता अगर आपके फादर आपके साथ हैं सर, आपके फादर आपके साथ हैं, कोई भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मैं सही बात बता रहा हूँ। पापा यार हमेशा बोलते रहते हैं, पापा कई बार हमेशा बोलते हैं ना, मुझे नहीं पता, देखो नॉर्मली पंजाबी फैमिली के अंदर तो बोलते हैं जी, ठीक है जी, पंजाबी फैमिली के अंदर तो नॉर्मली बोलते हैं, जैसे अगर मे भी आपके घर में भी बोलते होंगे शायद, पापा हमेशा बोलते रहते हैं बेटे मजबूत बन, बेटे मजबूत बन, थोड़ा सा बेटे शेर बन, शेर बेटे शेर बन, हिम्मत नहीं हारनी बेटे मजबूत बन, ये बहुत बार बोलते हैं ना, तो पापा यार हमेशा बोलते रहे मजबूत बन, शेर बन, अच्छे बन, बहुत सुना मैंने पापा, बहुत सुना मैंने, आज अब आप मेरी सुनो पापा, बहुत सुना मैंने, आज अब आप मेरी सुनो, इस दुनिया में तब तक ना जाना जब तक मैं ना कहूँ, पापा इस दुनिया से तब तक ना जाना जब तक मैं ना कहूँ, पापा तब तक आंखें बंद ना करना जब तक मैं आपके सामने रहूँ। तो यही है सर, मतलब यार पापा इतना मजबूत नहीं बन सकता कि मैं तुम्हारे बिना कुछ कर पाऊँ, मैं इतना मजबूत ज़िंदगी में कभी बन ही नहीं पाऊँगा कि मैं तुम्हारे बिना आगे बढ़ पाऊँ, तो मुझे आपकी सपोर्ट की हमेशा ज़रूरत है। एक दिन, ठीक है जी, एक दिन मैं फट पड़ा पापा में कि वो कुछ बने नहीं, ठीक है जी, देखते रहे, और मेरी तरफ मैंने बोला ना कि फिर फादर क्या बोलते हैं, बेटे जो मैंने कमाया है वो तू ही है जी। तो सर एक फादर ही ऐसे हैं जो आपकी लाइफ में हमेशा साथ देंगे आपके, ठीक है जी। तो बहुत कुछ चीज़ें हैं, तो मैंने ये है बस फादर डे पे आपको मैं विश करूँगा हैप्पी फादर्स डे, और अपने फादर को ज़रूर, मतलब अगर आप दूर रहते हो तो उन्हें कॉल ज़रूर करना, उनकी ब्लेसिंग ज़रूर लेना, उन्हें मैसेज करना। देखो सिंपल सी बात है सर, वैसे हम डेली डेली हमें पता लगता, क्योंकि जो इंसान हमारे घर में रहता है ना उसकी इज्जत कमी हमें होती नहीं, और अगर वो चार दिन हमें घर में ना दिखे फिर पता लगता है यार इज्जत उसकी क्या है, ठीक है ना। तो वही मैं आपको बोलूँगा कि मतलब सोचना ध्यान से सर, वो मतलब जो हम लाइफ के आज मुकाम पे हैं ना, मैं सही बता रहा हूँ, जिस मुकाम पे आज हम हैं 100% उनका ही हाथ है, ये बात माननी पड़ेगी आपको, ये मानना पड़ेगा जी, ठीक है जी। तो बस यही बोलूँगा, हैप्पी फादर्स डे वंस अगेन, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, खुश रहो, और मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ, उनके लिए करो जो कुछ करना है सर, उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है, अगर उनके लिए करोगे तो आप लाइफ में बहुत आगे। मेरे लिए तू कितना दर्द उठाता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है, तुझको ना देखूं तो जी घबराता है, तुझको ना देखूं तो जी घबराता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग जी सारे अनु भाई, की हाल चाल जी, वधिया हो सारे, तंदुरुस्त हो, फैमिली वधिया एकदम, चलो बहुत वधिया, वधिया ही होना चाहिए जी। अच्छा फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, जितने बच्चे भी लाइव बैठे हैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।